तो भाई लोग क्या हालचाल दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 5। प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़ी हुई है भोपाल एक्सप्रेस जो हबीबगंज से हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए जाती है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हबीबगंज पुणे हम सफ़र स्पेशल, जिसमें आज अपन सफ़र करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सफ़र में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की बेल नहीं दबाइए तो दबा देना आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट जानने के लिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी puneri.hamsafar पर। तो अपनी ट्रेन का टाइमिंग है यहाँ से लगभग 3:50 से, तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं हमारे कोच के अंदर, 3rd AC। और अगर कोच की बात करें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये अपर सीट, यहाँ पे मिडल, यहाँ पे लोअर, यहाँ पे ट्रे खाने के लिए कुछ रख सकते हैं, सेम यहाँ पे वैसे ही है। और साइड अपर, साइड लोअर। साइड लोअर के लिए एक ख़ास बात ये है, यहाँ पे ये सीट दी गई है, इसको आप खींच के यहाँ ऐसे रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिए गए हर बर्थ के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइट दी गई है, रीडिंग लाइट, ये अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि अभी तक ट्रेन हमारी शुरू नहीं हुई है। और गाइस, कुशन की बात करें तो कुशन काफ़ी शानदार है, और हम सफ़र ट्रेन है तो कुशन अच्छा होना ही चाहिए, एक प्रीमियम ट्रेन है तो ऐसा कुशन तो बनता ही है। सो गाइस, ठीक 3:50 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है हबीबगंज रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद ठीक 63 किलोमीटर बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन आएगा होशंगाबाद, वहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सो गाइस, आपको ये जर्नी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है puneri.hamsafar। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ से डिपार्चर इस ट्रेन का। डिपार्चर भी इस ट्रेन का हो चुका है, तो चलिए बात करते हैं अभी इस ट्रेन की। दोस्तों, ये इस ट्रेन को 6 अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया था 3 साल पहले, और तब से आज तक ये ट्रेन अपनी सेवा इंडियन रेलवेज में दे रही है। दोस्तों, इस ट्रेन की बात करते हैं, ये वीकली बेसिस पर चलने वाली ट्रेन है, ये हर शनिवार 3:50 पर हबीबगंज से निकलती है, और दूसरे दिन सुबह 6:25 पर पुणे पहुँचती है, और संडे दूसरे दिन ये ट्रेन 3:15 पर ये ट्रेन पुणे से निकलती है, और दूसरे दिन 4:45 सुबह हबीबगंज पहुंचाती है। सो गाइस, चलिए देखते हैं अभी इस ट्रेन का वॉशरूम कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर टैब है, अभी फ़िलहाल तो इसमें पानी आ रहा है, ये नीट एंड क्लीन है क्योंकि ट्रेन अभी शुरुआत हुई है। नीचे डस्टबिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, वापस यहाँ पर एक डस्टबिन है, इधर एक टॉयलेट है, इधर एक टॉयलेट है। तो चलिए देखते हैं इस वाला टॉयलेट, इंडियन स्टाइल टॉयलेट है। सो गाइस, अभी अपन आ चुके हैं अपने ट्रेन के टॉयलेट में। टॉयलेट सामने देख सकते हैं, बड़ा सा मिरर, ऊपर यहाँ पे ट्यूबलाइट दी गई है, इसके अलावा यहाँ पे वाटर टैप देख सकते हैं, पानी आ रहा है, नीचे यहाँ पे डस्टबिन भी दिया गया है, यहाँ पे सोप भी है, आप देख सकते हैं सोप यूज़ कर सकते हैं, और कुल मिलाकर यहाँ पे हैंड वॉश दिया गया है, और नीचे टॉयलेट है। तो टॉयलेट कुल मिला के बात करें तो काफ़ी शानदार है, लेकिन ये मेंटेन रहता है कि नहीं ये थ्रू आउट द जर्नी हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस रूट की बात करें ना, तो इस रूट का सबसे खास बात यह है कि इस रूट पे पड़ने वाला है बुधनी घाट सेक्शन, वो भी होशंगाबाद से पहले आता है। तो चलिए देखते हैं बुधनी घाट सेक्शन को, और आपको अगर ये पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना ना भूलिएगा।
सो गाइस जस्ट हमने बुधनी घाट सेक्शन कवर किया और नर्मदा माता के भी दर्शन हुए। तो आपको ये सेक्शन कैसा लगा और नर्मदा माता का जो कैप्चर था वो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना ना भूलिएगा। तो चलिए लेते हैं अराइवल होशंगाबाद में। सो गाइज अभी अपन पहुंच चुके हैं होशंगाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड है HBD और दोस्तों इस स्टेशन की बात करें तो दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और दो मिनट का ये हॉल्ट है यहाँ पे। और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रेलवे स्टेशन आता है तो इसके बाद आएगा इटारसी। तो चलिए लेते हैं डिपार्चर यहाँ से। सो गाइज अभी होशंगाबाद से अभी हमारा डिपार्चर हो चुका है और कुछ ही समय में अभी हम पहुंचने वाले इटारसी। इटारसी में इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है लेकिन अभी मैंने ऐप पे देखा तो वहाँ पे 10 मिनट पहले ही वो पहुंचाने वाली। तो लगभग 10 मिनट हमें मिलेंगे इटारसी स्टेशन पर। इटारसी स्टेशन जाना जाता है बहुत सारे वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी मिलती है। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर मिलती है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो लेते हैं अराइवल इटारसी रेलवे स्टेशन पर।
सो गाइस समय से लगभग 15 मिनट पहले हम इटारसी जंक्शन पर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन, और 15 मिनट मतलब 5:35 को इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर है, और अभी लगभग हमारे पास 15 मिनट है। और जैसे मैंने आपको बताया, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर ब्रेड, आमलेट, और इसके अलावा पूरी सब्जी, वेज बिरयानी, फल फ्रूट, हर चीज़ें खाने पीने की आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो खाने पीने के लिहाज से बहुत ही एक बढ़िया स्टेशन है अगर आप इस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म की बात करें, मतलब स्टेशन की बात करें, तो यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। और लाइन की बात करें तो एक लाइन इलाहाबाद हावड़ा की तरफ गई है, एक लाइन जाती है चेन्नई की तरफ, और एक लाइन जाती है मुंबई की तरफ, जिसी लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं मनमाड़ तक, और फिर हम ब्रांच लाइन पकड़कर दौंड की तरफ चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है अभी तक, वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना ना भूलिएगा। सो गाइज, मैंने अभी लिया है बनाना, यहाँ से 4 लिया है 20 रुपये का, क्योंकि अभी इसके अगले वाला स्टेशन है भुसावल, वहाँ पे मैंने IRCTC से खाना मंगाया है, उसका रिव्यू तो मैं आपको बाद में दूंगा ही। फिलहाल थोड़ी भूख लगी थी तो ये बनाना ले लिया है, 20 रुपये के 4 दिया है वहाँ पे भैया ने। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे खाने की हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए अभी खाते हैं इसको और फिर लेते हैं डिपार्चर यहाँ से। सो गाइस, अभी इटारसी से हमारा डिपार्चर हो चुका है, और अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं भुसावल। अभी दोस्तों लगभग 4 घंटे का नॉन स्टॉप रन है, वो भी 306 किलोमीटर का, और भुसावल लगभग 9:52 पे आएगा। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, चलते हैं अपने बोगी के अंदर, वहाँ पे रेस्ट करते हैं। और दोस्तों एक बात मुझे आपको बतानी है इस ट्रेन की, टोटल इसमें अगर कोचेस की बात करेंगे तो टोटल 14 कोचेस है, प्लस 2 EOG कार, और सभी 3rd AC के कोचेस है। और उसकी प्राइस की बात करें तो 1295 रुपये उसका प्राइस है। और ट्रेन की एक बात मुझे अच्छी लगी कि ट्रेन लगभग मतलब इसके टिकट्स अवेलेबल ही रहते, करंट में भी लगभग मैंने सुबह देखा था 500 के करीब टिकट अवेलेबल थे। तो कभी आप पुणे से भोपाल या भोपाल से पुणे जाना चाहते हो तो ये ट्रेन बेस्ट है। सो गाइज, अभी अपन पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन, और भुसावल की बात करें तो ये 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और यहाँ पे खाने की हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था, हमने खाना ऑर्डर किया IRCTC से, तो अभी हमने जस्ट कॉल किया था बंदे को, आ रहा है, तो देखते हैं अभी खाना, देखते हैं खाने का टेस्ट करेंगे, रिव्यू देंगे आप सभी को। और स्टेशन की बात करें तो जंक्शन है, तो यहाँ से एक लाइन जाती है मनमाड़ की तरफ, एक लाइन भुसावल से नीचे जहाँ से हम आए इटारसी, और फिर आगे एक लाइन भोपाल की तरफ जाती है और एक इलाहाबाद की तरफ जाती है। तो चलिए फिर वेट करते हैं अपने खाने का रिव्यू देते हैं, और फिर यहाँ से लेते हैं डिपार्चर।
डिपार्चर क्या है चलो जी कैसा ठीक है वीडियो में पूर्ण एक मिनट सो गाइज अभी हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है भुसावल जंक्शन से आगे की ओर बढ़ रही है मनमाड़ की तरफ लगभग 12:30 बजे आएगा मनमाड़। तो दोस्तों अभी बात करते हैं खाने की जो मैंने मंगाया था IRCTC से कढ़ाई पनीर मंगाए थे और उसके साथ 5 रोटियां काफ़ी लाजवाब थी। उसका प्राइस था लगभग 170 रुपये तो रिकमेंडेबल है काफ़ी आप मंगवा सकते हैं अगर आप इस रूट से गुजर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जाते हैं सोने को और मैं अभी डायरेक्टली आपको मिलता हूँ पुणे जंक्शन क्योंकि अभी लगभग 6 या 6:30 बजे तक अपनी ट्रेन वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। तो मिलते हैं अभी पुणे पे, तब तक के लिए जाते हैं सोने को, बाय बाय। सो गाइस 890 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं पुणे जंक्शन और अभी बज चुके हैं 6:15, लगभग गाड़ी 10 मिनट पहले ही आ पहुंची है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी punery.hamsafar पर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।